हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, एक छात्र जो इस अवसर पर विभिन्न जगहों से इकट्ठे हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और उनका इस आंगन में अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे करीबन 1000 एक्स विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि उन लोगों को इस हॉस्टल से कितना प्रेम है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर और जो मंच पर बैठे हुए सज्जन हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं और उन सबका आपका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं सबसे पहले आपको संक्षेप में इस हॉस्टल का इतिहास बताऊंगा। इस हॉस्टल की शुरुआत स्वर्गीय चंद्रलाल जी और उनके लड़के गोपाल ने की थी। उन्होंने हॉस्टल की नींव खुदवाई और कुछ कॉलम से भर दिए थे। ये काम उन लोगों ने 3-4 साल में किया और उनको जनता से पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि एक तो चंद्रलाल जी का जयपुर में ही लोगों से संपर्क था, बाहर नहीं था, और दूसरा उनके साथ जो संघ वाले लगे हुए थे उनका भी कोई समाज में प्रभाव नहीं था। तो गोपाल मेरे पास आया और बोला, भाई साहब आप जुड़ जाओ। मैंने नमो से बात करी, अपने डॉक्टर बात करी, अपने लक्ष्मण से बात करी, मेरे जो साधू हैं उनसे बात करी कि भाई इतना चंदा इकट्ठा हो सकेगा क्या, तब तो हम आगे आए। तो सबने कहा, साहब आप आगे आ जाओ, चंदा हम करवा देंगे। इसके बाद संघ से मीटिंग हुई, क्योंकि ये जमीन उनके नाम अलॉट हुई थी। जब सरकार ने जमीन आवंटित की थी मीना छात्रावास के लिए, उस समय कोई और संस्था नहीं थी जिसके नाम पे जमीन की जा सके, तो ये उन संघ के नाम जमीन थी। तो संघ वालों से मुलाकात हुई तो कहते हैं, आप हॉस्टल बना दो, हम आपको भी पद दे देंगे। तो मैंने कहा, भाई मैं हॉस्टल से किसी पद के लिए नहीं देना चाहता, पद तो मेरा अभी भी जो है बहुत बड़ा है। मैं इस हॉस्टल से अपने पुराने दिन याद करते हुए जुड़ना चाहता हूँ। जबकि 1960-61 में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप तैयारी कैसे करें, कंपटीशन में कैसे बैठें, तो मैं तो इसलिए उसे जुड़ना चाहता हूँ और मेरा कोई इसमें लालच नहीं है। तो उस दिन ये अपने पीडी मीना, भागचंद, सामर और एक और थे, वो लोग पैसे लेके आए थे दिल्ली से 8 लाख रुपए हॉस्टल देने के लिए। तो इन्होंने कहा, साहब हम ये पैसे तो इनको नहीं देंगे हम लोग, अगर आप लोग नहीं जुटते हो तो। फिर कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने उनको समझाया कि भाई आप हॉस्टल बने दो और इनको काम करने दो। मैंने उस समय कहा था कि ये हॉस्टल समाज का है, किसी एक आदमी के नहीं होगा, न किसी एक संस्था का होगा, न ये हॉस्टल मेरा होगा, न संघ का होगा, न करोड़ी का होगा, किसी का नहीं होगा, ये हॉस्टल समाज का रहेगा। और इस हॉस्टल को समाज में रखने के लिए मैंने एक सुझाव दिया था कि जो लोग 11,000 रुपये हॉस्टल के चंदे में देके मेंबर बनेंगे, उनको हम आजीवन सदस्य देंगे और वो लोग 3 साल में एक बार इकट्ठे होंगे और मैनेजमेंट की कमेटी का चुनाव करेंगे और 25 साल में हर 3 साल में हम मीटिंग करते हैं और अपना अध्यक्ष और कार्यकारिणी चुनते हैं। इस वक्त मैं एक बात कहना तो नहीं चाहता पर कह देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में सेवा के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं आपको मेरे तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि हम जब ये हमारे 621 मेंबर हैं जो
लाइफ मेंबर हैं हमारे हॉस्टल के, हर तीन मैंने तीन सालों में मीटिंग बुलाता हूँ तो मुश्किल से कोई 20 लोग आते हैं, कभी 15 लोग आते हैं, कभी 12 लोग ही आते हैं। अब उन 12 लोगों से मुझे कमेटी चुनना संभव मुश्किल नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इन लोगों में किसको चुनूं जो मेरे साथ काम करेंगे। और जिनको चुनते थे वो भी ऐसे थे कि बिल्कुल काम पे नहीं थे, कोई काम कर दो यार ये काम पर ले जाके तो भी वो नहीं कर सकते थे। तो ये मुझे 24 साल तक हैंडीकेप रहा है, आप बताऊँ। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि थोड़ा समाज सेवा पर भी ध्यान दें और समाज के लिए भी कुछ अपना समय। तो 24 साल से मैं और हमारे वार्डन साहब ये दोनों ओर से चला रहे थे, पर इस साल मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से शेयर करते हुए कि इसी हॉस्टल से निकले हुए कुछ छात्रों ने इच्छा जाहिर करी कि हम आपके साथ हॉस्टल के अंदर ढूंढना चाहते हैं। तो मैंने कहा वेलकम, आओ मैं तो तैयार बैठा हूँ लड़ने के लिए, कोई अच्छे काम करने वाले मुझे मिले। तो 5-6 लड़के थे जो हमारे हॉस्टल में काम कर चुके हैं, हॉस्टल से पास आउट हुए हैं। अरे कस्तूर बैठो, बहुत अच्छी कमेटी मिली है। उसमें हमारे हॉस्टल के पहले से निकले हुए लड़के हैं, उनका मैं परिचय भी करा दूं आपको। श्री सुंदराम मीना, परियोजना निदेशक स्वास्थ्य शासन विभाग, डॉक्टर राकेश छोलक अधीक्षक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, श्री फतेह राम अपर राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, डॉक्टर जगदीश मीना सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालय, डॉक्टर शंकर लाल सहायक प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय, और हरि नारायण ये हमें हमारी कमेटी के 6 सदस्य हैं। एक हमारे पुराने सोनलाल जी, इन लोगों को हॉस्टल ज्वाइन करने के बाद में विद्यार्थियों का स्तर भी बढ़ा है और हॉस्टल में जो बहुत सारे काम पड़े हुए थे पेंडिंग वो सारे नए हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे बाथरूम सब टूटे हुए थे, इन लोगों ने सारे बाथरूम को नया बना दिया। आप देख रहे बाथरूम को, ये 3 स्टार होटल से कम नहीं है हमारे हॉस्टल में बाथरूम। और ये हर मैंने इनको बांट रखा है, भाई आप फर्स्ट ईयर को देखोगे, आप सेकेंड ईयर को, आप थर्ड ईयर को, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर को। तो ये हर हफ्ते 10-15 दिन में बच्चों से मिलते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना आत्मविश्वास प्राप्त करें, क्योंकि जब तक बच्चों में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इनकी ये प्रयास बड़े सफल रहे हैं और बच्चों का स्तर भी काफ़ी बढ़ा है। हॉस्टल को जब हमारा हो गया संघ से सेटलमेंट, तो इस हॉस्टल को बनाने में पूरे समाज ने मदद की हमारी। और इसमें सबसे ज्यादा मदद डॉक्टर करोड़ी ने करी है, को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए।
एक दिन इनके गांव ले गए और वहां से हम लोगों ने 6-8 घंटे में 15.5 लाख रुपए का टकर लिए। ये सारा जो पत्थर आप देख रहे हैं बाहर जो लगा हुआ हॉस्टल के, ये धौलपुर का पत्थर है। ये सारा पत्थर डॉक्टर साहब ने भेजा है हॉस्टल के लिए। इस तरह डॉक्टर साहब ने एक बार 10 लाख रुपए लगे दिए हॉस्टल में के लिए, और समय 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 किसी को पैसे लेके भेजते रहे। तो हमने अंदाज लगाया है कि डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन 35 लाख और धौलपुर पत्थर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब का ही है इस हॉस्टल में बनने के अंदर। दूसरा नंबर आता है हमारे बॉम्बे में कस्टम और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं। मैं खुद गया था वहाँ बॉम्बे उनसे मिलने के लिए, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वहाँ बॉम्बे कस्टम्स ने हमें 10 लाख रुपए हॉस्टल के लिए भेजे हैं। छगनलाल मेहर जो कस्टम ऑफिसर थे, डॉक्टर बीपी मीणा जो कि इनकम टैक्स में थे, उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा। इसी प्रकार दिल्ली से 8 लाख रुपए आए थे, जिनमें साबरमती, पीडी मीना, प्रहलाद, बालचंद जैन ये प्रमुख थे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। गिदारी लाल जी हैं महुआ के हैं, उन्होंने इस हॉस्टल के लिए 4,20,000 रुपए दिए। कैलाश हैं, उन्होंने 4 लाख रुपए दिए हॉस्टल के लिए। इसके अलावा 1 लाख देने वाले में करीबन 5 लोग हैं, उन्होंने 4,30,000 रुपए दिए। 15 कमरा बनाने के पैसे दिए हमारे समाज ने, उससे 12,50,000 इकट्ठे हुए। और मेरे साढ़ू भाई हैं रियाज मीना, उन्होंने 9,50,000 रुपए दे दिए। इस तरह से टोटल हम लोगों का कलेक्शन हो गया 80-85 लाख रुपए, जिसके लिए हमको खुद को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी और पैसे अपने आप आते रहे। टोटल हमारा चंदा हुआ है 1,17,000 रुपए और हमारा खर्चा हुआ है 1,25,00,000 रुपए इस सारी बिल्डिंग बनाने के अंदर। इस बिल्डिंग बनाने में प्रहलाद मीना है कोटा के, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है, उन्होंने कोटा स्टोन पत्थर लाके हमको दिया। अब इसके बाद मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कई सालों पहले 150 बेडेड हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाया था, परंतु उसका उपयोग जनरल कैटेगरी के लिए किया जा रहा था। नमोनाथ जी ने मुझे कहा एक दिन मीटिंग में कि सर हमारी हॉस्टल है वहाँ पर, उसको कोशिश करके लिया जाए। पर मैंने जैसा कहा कि नमोनाथ जी चले गए पॉलिटिक्स में और हमारी जो टीम में एक ही तो काम करने वाले थे, तो उसके अलावा जो हम लोग उसको परस्यू नहीं कर फ्रेंकली। पर हमारी जो नई टीम आई है उसने इस मामले को परस्यू किया, और इस साल ही VC ने आदेश किए हैं कि क्या नाम है हॉस्टल, सावित्रीबाई फूले हॉस्टल पूरा का पूरा ST गर्ल्स के लिए रिजर्व किया जाए। और इस साल 86 लड़कियां ने वहां पर एडमिशन लिया है, क्योंकि इस खबर की पूरी पब्लिसिटी नहीं हो पाई। इस साल जब लड़कियां आएंगी आप लोगों के माध्यम से भी समाज में इसकी चर्चा होगी कि भाई इन लोगों ने जो है पूरी हॉस्टल हमारी है। तो मुझे आशा है अगले साल 150 लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लेंगी वहां पर।
तो ये मेरी कमेटी के मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहूंगा उनको जिताने पड़े आप लोग। लड़कियों के लिए एक हॉस्टल सोबाइडेट का माननीय कॉलेज में बन रहा है, और एक हॉस्टल अभी अपने एमएलए हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने बनाया है। तो इन तीनों हॉस्टल के बाद में मुझे लगता है कि लड़कियों किस को पर्याप्त एकोमोडेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स के हॉस्टल की अचीवमेंट्स बताऊंगा कि इन 25 सालों में इस 25 सालों में हमारे हॉस्टल से 3,000 लड़कों ने शिक्षा ली है, उनमें से 2300 लड़कों के बारे में हमारे पास सूचना है कि उनको सबको रोजगार मिल गया है या प्राइवेट बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग 143 बच्चे हमारे हॉस्टल में हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लगभग 200 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। हमारे हॉस्टल से 150 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेंटर। एसएससी जो इंस्पेक्टर्स की होती है उसमें 332 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अड़सठ बच्चे हमारे से निकले हुए प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा बाकी स्कूल शिक्षा, मेडिकल में, रेलवे में कार्य हैं, इनके अलावा कुछ राज स्वयं का बिजनेस और व्यवसाय भी कर लगे हुए हैं। उप सभी छात्र गांव समाज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये हमारे हॉस्टल का अचीवमेंट है, जब भी हमारे काम करने वाले 2-3 आदमी थे, अब मेरे पास पूरी टीम है 3 साल काम करने वाली। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 3 सालों में हमारी जो सदस्य लोग डाले हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। इसके लिए हमने अभी से कार्य करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग यहाँ कोचिंग क्लासेस शुरू कराएंगे। पहले तो हम लिमिटेड कोचिंग करवाते थे बच्चों से, अब हम यहाँ पर हर एक सर्विस वाइज कोचिंग कराएंगे। जैसे जो लड़के आईएएस के काबिल होंगे उनको आईएएस की कोचिंग कराएंगे, जो कुछ आदेश के लिए होंगे उनको आदेश कोचिंग कराएंगे, बैंकिंग की अलग कोचिंग कराएंगे, ये जो इंस्पेक्टर बनते हैं उनकी कोचिंग अलग कोचिंग कराएंगे। तो हमारा प्लान तो ये भी है कि साल 2 साल में हम आदेश कोचिंग का सेंटर भी इस इंस्टीट्यूट में शुरू कर दें।